कानपुर में सिर्फ यही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम कानपुर डैम आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम कानपुर के लिए निकलने लगे हैं। कानपुर जाएंगे, साथ साथ आप सबको भी इंजॉय करवाएंगे। आज डब्बा चेंज है, वैसे कोई और डब्बा करवा के लाए हैं। तो इंशाल्लाह कानपुर पहुंचते हुए भी रास्ते में भी आपके साथ रबते में रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको साथ साथ सब कुछ। तो मिलते हैं फिर कानपुर जाके इंशाल्लाह। सारा सूख गया हुआ है, इंडिया ने पानी अभी तक खोला नहीं है, इसलिए मैं सूख गया हुआ है। बाकी अच्छी जगह, खूबसूरत है, पहाड़ बहुत अच्छे हैं, एंजॉय हो रहा है यहाँ पर भी, लोगों की ट्रिप वगैरह भी आई हुई है, मज़े हो रहे हैं बच्चों को, बहुत खूबसूरत जगह है। अवैस भाई, खानपुर तो हम आ गए हैं जी भाई, तो डैम तो सारा सूख चुका है। बस भाई, लोगों के कर्मा में ही ऐसे हैं, सब डैम नहीं सूखना ही है। मतलब कि लोगों क्या कारना में ऐसे, बस यही है आप कल देख रहे हो। अदनान भाई, आप भी आ जाएं जरा, काफ़ी देर से आपने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। तो डैम पता है क्यों सूखा हुआ है? जो इन्होंने के पास पानी इकट्ठा था उसकी तो बिजली बना ली इन्होंने, गर्मियों में जाकर होता पंखे वगैरह और ये यूज़ होते हैं, तो ये सारा पानी इन्होंने बिजली बना ली। बिजली तो पहले भी बनती थी, तो अब क्यों इतना ज़्यादा पानी गैप हो गया है? पहले वो बिजली कम बनती थी ना, अब ज़्यादा बनती है। मतलब क्या, बर्बादी ज़्यादा हो गई है। हाँ जी जी, चले बस, कुछ करना में भी ऐसे है ना लोगों को। ठीक हो गया, ठीक है जी, आप देख लो तुम्हें। बाकी वो इधर एक बंदा था, सारा डैम सूख चुकी है। ओहो सॉरी, मैं पंजाबी बोल गया हूँ, डैम सारा सूख चुका है। मैं बताता हूँ, वो जो ऊपर भैंसें खड़ी हुई है ना, भैंसें नहीं, सॉरी वो जो ऊपर बैल खड़े हुए ना, बैल वो पानी पी गए हैं इधर का, वरना इधर तो कल मैं आया था बहुत पानी था। बैल भी दिखा देना उन्हें, वो खड़े हुए जी बैल, छोटे 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 नहीं, बड़े बड़े ने, लेकिन मैं ज़रा दूर खड़ा। बाकी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं थोड़े से पानी जी भी। कल इधर इतना पानी था, लोगों ने अपने पौंजे टांगे हुए थे ऊपर की तरफ और पानी में पाँव फैलाए हुए थे, इतना पानी था कल, ये आज ही कम हुआ है। क्या बात, घोड़े की सवारी करने का अपना ही मज़ा है। कानपुर में सिर्फ यही काम की चीज़ है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम कानपुर डैम आ चुके हैं, तो ये कानपुर डैम, अब हम कश्ती में बैठे हैं, एंजॉय हो रहा है पूरा ही, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। पहन लेना, बांधे ना, बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने फड़ के रखी है, ये देखें तो बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, कमाल, फुल एंजॉय में फड़ के रखी हूँ, लग गया है। ये देखें जरा, आपको पता है कि टूर चल रहा है माशाल्लाह, और ये सामने पहाड़ियाँ देखी हैं कितनी ऊंची ऊंची हैं, तो ये हम एबटाबाद के दरमियान में पहाड़ियों के अंदर आ गए हुए हैं। तो बाकी आपको मैं दिखाता हूँ सारा ये खूबसूरती,
ये सब देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है ये। इधर इंसान फैमिली के साथ आ सकता है इंजॉय करने के लिए, ये सारी जगह इंजॉय करने वाली हैं। ऑल टू ऑल पानी का बहाव चेक करें, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, ये देखिए पानी देखें कितना तेज़ है, बहुत स्पीड है पानी, मतलब इतना बहाव है कि आप इसके साथ आगे के आगे रुड़ के चले जाएंगे। ओके बाकी सब आगे सब बातचीत चलती रहेगी, आगे आगे आपको बताते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है अल्लाह हाफिज़। तो अस्सलाम वालेकुम, आप कितने में दोबारा हाज़िर हुए हैं हम, तो आप ये देखें थोड़ा व्यू कितना कमाल का आ रहा है। इधर मैंने चरपाइयाँ रखी हुई हैं और चरपाइयों पे हम बैठ के इंजॉय कर रहे हैं पूरा, ये देखें ज़रा शानदार। और पानी की स्पीड इंतहा ज़्यादा है कि इसके अंदर आप मतलब खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्पीड है इस पानी में, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय हो रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है सब कुछ। बाकी फिर मैं तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम काफ़ी इंजॉय करने आए हैं, वो दरान भाई खड़े हैं, दरान भाई आम चूसने लगे हैं, और अवैस भाई तिक्के लगा रहे हैं। अवैस भाई इधर लगता डोरे हो गए हैं। अवैस भाई ज़रा इधर देखें, ज़रा इशारा कर दें दोस्तों को। अवैस भाई टिक्के लगा रहे हैं, ये दराम भाई आम चूस रहे हैं और अवैस भाई टिक्के लगा रहे हैं। काफ़ी मज़ा कर रहे हैं अवैस भाई से, अभी तक पूरी माचिस जलाने के बाद भी अभी तक कोयले नहीं जले और अदनान भाई थक के आम चूसना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बार चला, बाकी जब ये तैयार होंगे तो फिर इंशाल्लाह सारे गुफ्तगू होगी, साथ टिक्के चलेंगे इंशाल्लाह।